नशे की लत से परेशान, अब घबराए नहीं, नशा मुक्ति केंद्र लेकर आए हैं सभी तरह के नशे का जड़ से समाधान। अब किसी भी प्रकार का नशा हो, चाहे वो शराब, सिगरेट, बीड़ी, गुटखा, तम्बाकू, खैनी आदि, इन सभी तरह के नशे से छुटकारा पाने के लिए हमारे नशा मुक्ति केंद्र से संपर्क करें। सिर्फ एक कॉल पर आप अपने नशे से छुटकारा पा सकते हैं 100% मनी बैक गारंटी के साथ, तो जल्द ही संपर्क करें। प्राइम 80 न्यूज चैनल अब नेट विजन केबल नेटवर्क पर 707 नंबर पर उपलब्ध। नमस्कार, मैं विवेक डोगरा, आप देख रहे हैं प्राइम 80 न्यूज। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ ताजा सुर्खियों पर। तेरे मेरे बीच में कैसा है ये बंधन अनजाना, तूने नहीं जाना मैंने नहीं जाना, इसी गाने को चरितार्थ कर रही है पर्व विधायक अनूप संडा और समरीन खान के प्रेम की यह कहानी। लगभग 12 साल पहले ही जब बसपा की सरकार बनी थी और अनूप संडा सुल्तानपुर सीट से विधायक हुए थे, इनका संपर्क समरीन नाम की महिला से हुआ। धीरे धीरे इस संपर्क में नजदीकियां आ गई और पूर्व विधायक संडा जी समरीन के प्यार में समा गए। लेकिन इन दोनों लोगों के प्रेम कहानी के बीच एक गीत और सटीक बैठती है। मुझे तेरी मोहब्बत का सहारा मिल गया होता, अगर तूफान नहीं आता किनारा मिल गया होता। यह गीत ठीक अनूप संडा पर सटीक बैठती है, जिसको वह अक्सर जब अकेले रहते होंगे तो जरूर सोचते होंगे। बहरहाल अनूप संडा और समरीन खान का प्यार अपने चरम पर पहुंचने लगा। दूसरी बार अनूप संडा फिर से विधायक हुए, सपा की सरकार आई। संडा जी के पत्नी को पता चला तो संडा की जी दूरिया बनाने की कोशिश की, लेकिन समरीन को रास नहीं आई। समरीन ने अनूप संडा के ऊपर बलात्कार का मुकदमा कायम कराया। सरकार थी, सत्ता थी, किसी तरह मामला मैनेज हुआ। फिर प्यार की कहानी में एक नया मोड़ आया। समरीन ने अपनी छोटी लड़की के अपहरण की साजिश रची और अपहरण करवा दिया और मुकदमा अनूप संडा और उनके सहयोगियों के ऊपर दर्ज कराया। लेकिन जब पुलिस ने छानबीन शुरू की तो समरीन खुद ही जाल में फंस गई और जेल गई। सूत्र बताते हैं अनूप संडा के दिल में प्यार की आवाज जगी और नाटकीय ढंग से समरीन को छुड़वाया। देर जेल से छूटने के बाद समरीन और अनूप संडा के बीच कुछ दिन मामला शांत रहा, लेकिन प्यार प्यार होता है और यह प्यार सड़क पर आ गया। लखनऊ से लेकर सुल्तानपुर के पेट्रोल टंकी, घर आदि जगहों पर खुलेआम समरीन अनूप संडा को अपना पति स्वीकार करने लगी। लेकिन अनूप संडा इस मामले को सिर्फ बेवजह बताते रहे। लेकिन कहा गया है कि सच्चाई छुप नहीं सकती, बनावट के वसूलों से खुशबू आ नहीं सकती। कागज के इन फूलों से यह गीत फिर चरितार्थ हुई और एक दिन अनूप संडा समरीन के घर महुवरिया आवास पर गए और उनका वीडियो और फोटो बेडरूम का वायरल सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, तो प्रेमी विधायक जी का सच सामने आ गया और उसी दिन से विधायक जी आम जनमानस से मुंह छुपाते हुए इस वीडियो वायरल में कहानी रची गई। सूत्र बताते हैं विधायक जी लगभग 2 दिन से समरीन के घर पर रहे। जब विधायक जी के पति अमिता सेठ को पता चला तो उन्होंने अपहरण की तहरीर दी, तो पुलिस ने समरीन खान के घर से विधायक जी को बरामद किया। लेकिन विधायक जी के बयान पर पुलिस ने समरीन को छोड़ दिया। तभी से विधायक अनूप संडा का यही कुछ पता नहीं है और समरीन उन्हें बुलाने और कहा है जानने के लिए लगातार प्रयास कर रही है और यही कारण है कि आए दिन समरीन द्वारा कभी विधायक के घर तो कभी पेट्रोल की टंकी पर हाई प्रोफाइल ड्रामा करने से नहीं चूकती हैं। जैसा ही सोमवार को समरीन खान अपनी बेटी के साथ अनूप संडा के पेट्रोल टंकी पर पहुंची और अपनी बेटी का हक मांगने लगी। पेट्रोल टंकी कर्मचारियों ने लाइट बंद कर दिया और मौका पाकर समरीन के ड्राइवर को पीट लिया और कार पर ईंट से हमला कर दिया। इसके बाद किसी तरह से समरीन वहां से निकली। मेरा कोई मामला नहीं है, हमने प्रेस किया था, हमें राहुल यही सबसे ज्यादा मैनेज कराया। साल भर से अनूप संडा जी यहाँ नहीं आए, ना पत्नी के पास है, हम लोगों के संबंध में थे। और उसके बाद तमाशा है, जब मन कहा भैया नंबर डायल कर लिया, जब मन कहा रख दिया। ये कहते हैं कि आप रखिए, आइए बात कीजिए, हमारी अपनी जिंदगी है, हम भी आज इतने दिन से वहाँ पे। आपके पास पैसा था, विधायकी थी, जवानी थी, पैसा था आपने यूज़ किया, इसका मतलब आज तुम्हें जवानी तुम्हारी नहीं रह गई तो तुमने पाल दिया। ऐसे इतने कमज़ोर हम नहीं हैं, इतने कमज़ोर नहीं हैं। खबर सुल्तानपुर से है। कल रात हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला, जो कि पूर्व विधायक अनूप संडा जी के बारे में है। कहने को तो कई किस्से, कहानी और अफसाने आपने सुने होंगे मोहब्बत के, लेकिन ये किस्से और कहानी
और अफसाने कुछ जुदा हैं मोहब्बत के। कहना ये है कि कल जो ड्रामा हुआ उस ड्रामे में किरदार समरीन का था, लेकिन कहीं ना कहीं से पूर्व विधायक अनूप संडा जी भी इसमें भागीदार हैं, लेकिन वो पूरे स्क्रीन से गायब रहे। ना आकर उन्होंने कुछ बयान दिया, ना उन्होंने कुछ बताया। कहने को एक फिल्म का गाना था जिस गाने के बोल थे, मुझे तेरी मोहब्बत का सहारा मिल गया होता, अगर तूफान नहीं आता तो किनारा मिल गया होता। कुछ इसी तरह से चरितार्थ करती है ये कहानी अनूप संडा और समरीन की। देख सकते हैं किस तरह से पूरे वीडियो में समरीन ने ये बताया कि वो अपनी बेटी की हक की लड़ाई लड़ रही हैं। टंकी पे आकर उन्होंने मैनेजर से पूछा, तुम किसके लिए लड़ रहे हो? मैं तो अपने बेटी के लिए लड़ रही हूँ। कहना लाजमी है कि मोहब्बत के इस अफसाने और फसाने में किरदार कई हैं, लेकिन जिम्मेदार सिर्फ एक हैं। और आप देख सकते हैं किस तरह से समरीन ने ये कहा कि वो उनको पति मानती हैं, उन्होंने उनको चुनाव के लिए 70 लाख रुपए दिए थे। इन सब के बीच पुलिस ने भी आकर के जोर आजमाइश की और प्रयास किया कि वो समझाने बुझाने में कामयाब रहे, लेकिन समरीन ने स्पष्ट तौर से क्लियर कर दिया कि उनको उनका अधिकार चाहिए, उनके बच्चे का अधिकार चाहिए। कहना गलत न होगा कि एक माँ ने एक बेटी के लिए आवाज़ उठाई है, और ये आवाज़ कितनी दूर तक जाती है देखना अभी बाकी है। देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। मैं कैमरा पर्सन अंकित के साथ संतोष पांडे, प्राइम एटी न्यूज़, सुल्तानपुर से संतोष कुमार पांडे।